तो हाँ, मैंने मेजर मूवी देखी। सुबह मुझे उठने में देरी हो गई थी, जिसके लिए मैंने सुबह की शो नहीं देख पाया। तो मैंने दोपहर की शो में मेजर मूवी को देखा, क्योंकि मेरे पास चॉइसेस थी कि मैं पृथ्वीराज, विक्रम और मेजर में से चुन सकूं। तो मैंने मेजर को चुना, क्योंकि उसके साथ इंडिया की इतिहास जुड़ी हुई है। तो इसके बिहाफ में मैंने ये मूवी देखने को गाया, तो मुझे इसके लिए खुद पर अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि मेरा चॉइस अच्छी थी। हाँ, मैं ये दिल से बोल रहा हूँ, क्योंकि पृथ्वीराज भी हमारे इतिहास से जुड़ी हुई है, लेकिन विक्रम मूवी मुझे कुछ ज़्यादा ही पसंद था, लेकिन फिर भी मैंने मेजर मूवी को चुना। इसकी जो रिव्यूज़ थी वो बहुत अच्छी आ रही थी, इसके लिए ही मैंने इस मूवी को चुना और मुझे इस बात पर गर्व है। हाँ, मैंने तीन मूवीज़ में से इसको ही चुना, क्योंकि मुझे ये मूवी देखने में ज़्यादा इंटरेस्ट था, और इसके पीछे एक और भी वजह है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकता। ये मूवी मेरे को कैसी लगी, जो लोग सिर्फ यही जानना चाहते हैं उसके लिए हाँ, ये मूवी मेरे को बहुत अच्छी लगी। जिनका कैरेक्टर हमको दिखाया गया विक्रम नाम के कैरेक्टर के थ्रू, उनके जो पेरेंट्स थे उनकी भी एक्टिंग का मैं क्या जज करूँ, वो तो बहुत अच्छे एक्टर्स हैं। उनका जो इफेक्ट था इस मूवी में वो मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो मैं अपना रिव्यू देने के मामले में इस मूवी को देशभक्ति में बनने वाली फिल्म आजकल उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं कर रही है, लेकिन शेरशाह के बाद अगर मुझे कोई मूवी अच्छी लगी तो वो ये मेजर मूवी है, क्योंकि देशभक्ति को, मतलब एक देशभक्त को पर्दे पर लाना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होती है। तो इस मामले में मैं इस मूवी की सारी स्टार कास्ट को शाबाशी देना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने अपना अपना कैरेक्टर इतनी अच्छी तरह से निभाया है। देशभक्ति के ऊपर मूवीज तो बनती है, लेकिन वो सिर्फ जंग या फिर पैसा, लड़ाई झगड़ा वो सब ही दिखाते हैं, लेकिन इस मूवी आपको एंटरटेन भी करेगी, क्योंकि इस मूवी में मेजर जो मेन कैरेक्टर है उनकी लाइफ स्टोरी, उनकी पेरेंट्स की जो उनको लेकर गर्व, वो इस मूवी में बहुत अच्छी तरह से दिखाई गई है। तो मैं इस मूवी को देना चाहूँगा 5 में से 4 स्टार। इसके साथ साथ मेरा विक्रम और पृथ्वीराज पे भी वीडियो बहुत जल्द आने वाली है, तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।